हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुक चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज श्रीमद् भगवद गीता। गीता भगवान कृष्ण के मुख कमल से निकला हुआ मधुरता और सुंदरता का समन्वय है। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम रूपी मुरली से गोकुल में सभी लोगों को मुग्ध किया, तो योगेश्वर कृष्ण की ज्ञान मुरली ने कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। तब से लेकर आज तक हजारों ज्ञानी, भक्त, कर्मयोगी, उन सभी को गीता ज्ञान ने मुग्ध किया है। इस महान ग्रंथ ने पूरी मानव जाति को जीवन जीने की हिम्मत दी है। जीवन एक संग्राम है, लड़ाई है, जिसको हम सभी को हिम्मत से लड़ना है। इसीलिए कुरुक्षेत्र की मरुभूमि में गीता का गान एक उत्तम पृष्ठभूमि का सर्जन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व के सभी मनुष्यों को गीता ज्ञान देकर जीवनाभिमुख बनाने का प्रयत्न किया है। जीवन की छोटी बड़ी सभी मुश्किलों को कैसे पार करें, जीवन की परेशानियों में क्या करें, ये सभी हमें गीता सिखाती है। जीवन रोने के लिए या फिर भाग जाने के लिए नहीं है, बल्कि हंसने और खेलने के लिए है। जीवन अखंड विश्वास और अटूट आशा के साथ किसी भी मुसीबत से लड़कर बाहर निकलने के लिए है। गीता का ज्ञान हमें हमारे जीवन में आने वाली छोटी बड़ी सभी मुश्किलों को हिम्मत से लड़ने की शक्ति देता है। किसी भी विशिष्ट संप्रदाय या धर्म संघ में न पढ़कर गीताकार ने मानव जीवन के चिरंतन मूल्यों को गीता में कहा है। ऐसा अद्भुत अमूल्य ग्रंथ पूरी मानव जाति को देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की नम्रता कितनी अद्भुत है। वो कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी मौलिक नहीं है, जो कुछ भी ऋषियों ने अनेक बार कहा है वही मैं फिर से कह रहा हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इसी नम्रता पर प्रसन्न होकर श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने एक स्रोत में उनको मेघ सुंदर कहकर नवाजा है। जिस तरह समुद्र में से पानी खींचकर मिलने वाला मेघ यानी बारिश का पानी भले ही उसका अपना न हो, फिर भी जल की मिठास तो उसकी अपनी ही है, ठीक उसी तरह शायद ज्ञान भगवान कृष्ण का अपना न हो, फिर भी गीता का जो अनोखा माधुर्य है वो तो कृष्ण का अपना ही है। और इसीलिए आज भी गीता का रसपान करने पर अनेकों जीवन संगीतमय और जीवंत हो जाते हैं। गीता इज मदर, अर्थात गीता हमारी माँ है। दुनिया में बहुत सारी स्त्रियाँ अच्छी होने के बाद भी कोई माँ की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह बहुत सारे ग्रंथ अच्छे होने के बावजूद भी श्रीमद् भगवद गीता की तुलना नहीं कर सकते। जिस तरह माँ का दूध पिए बिना बालक पुष्ट नहीं होता, वैसे ही गीता रूपी अमृत पान किए बिना मनुष्य जीवन पुष्ट होना असंभव है। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म, बट इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर भी कोई आपसे पूछता है कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तब हमें उसे हिम्मत और गर्व के साथ उत्तर देना चाहिए कि गीता हमारा वैश्विक धर्म ग्रंथ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।